हैव यू लर्न समिंग न्यू फ्राम दिस कोर्स अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं ग्राफिक डिज़ाइन की फील्ड में देन आई बिलीव दैट यू हैव लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स लेकिन अगर आप पहले से ग्राफिक डिज़ाइन की फील्ड में हैं और अभी तक आपने कोई नई चीज़ नहीं सीखी तो आई एश्योर यू कि आप आने वाले मॉड्यूल्स के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे तो इस मॉड्यूल को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ हम इस मॉड्यूल में लोगो डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोजेक्ट अगर हम इसको बाकी प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो जो एक बिगिनर होता है जो ग्राफिक डिज़ाइन में की फील्ड में नया बंदा होता है ही एज्यूम के लोगो डिज़ाइन इज द मोस्ट सिंपल एंड द मोस्ट ईजीएसट प्रोजेक्ट लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आपने एक सिंबल के अंदर एक वर्ड के अंदर बहुत सारे मीनिंग्स को एनक्लोज़ करना होता है तो सबसे पहली चीज़ किया है हम इसको दो फेजेस में लेके चलेंगे इस मॉड्यूल को पहला ये है कि हम लोगो डिज़ाइन को का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि व्हाट इज़ लोगो डिज़ाइन और गुड लोगो डिज़ाइन की प्रैक्टिसेस कौन सी हैं एक अच्छा लोगो डिज़ाइन किसको कंसिडर किया जाता है फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं जब एक लोगो डिज़ाइन शुरू किया जाता है सो so, क्लाइंट के साथ किस तरह कम्युनिकेट करना है उससे कौन सी इंफॉर्मेशन गेट करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो क्या प्रोडक्ट सेल करता है वो किस ऑडियंस को सेल करता है और इस तरह की डिफ़रेंट चीज़ें इसके बाद हम देखेंगे कि लोगों की कौन कौन सी मुख्तलफ़ टाइप्स हैं और हम जो लोगो डिज़ाइन करने जा रहे हैं वो किस ऑडियंस के लिए करने जा रहे हैं किस कंपनी के लिए करने जा रहे हैं और उसके लिए हम किस लोगो टाइप को चूज़ करें सो so के जो कि उस क्लाइंट के लिए उस कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगी इसके बाद हम सेकंड फेज़ में देखेंगे कि माइंड मैपिंग कैसे की जाती है एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिफोर गेटिंग इन द लोगो डिज़ाइन तो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के बाद हम एक माइंड मैपिंग की तरफ जाते हैं और इसके लिए हम एक सिंपल वाइट पेपर के ऊपर भी माइंड मैपिंग करेंगे इसके अलावा विम्सिकल एक फ्री ऑनलाइन टूल है उसका भी इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसके बाद हम माइंड मैपिंग को कन्वर्ट करेंगे स्केचेस के अंदर स्केचेस को कन्वर्ट करेंगे वेक्टर आर्ट के अंदर इलस्ट्रेटर को यूज़ करते हुए और उसके बाद हम इस वेक्टर को कन्वर्ट करेंगे मॉकअप्स के अंदर और उसके बाद क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपके लिए ज़रूर नहीं होगी एंड दैट इज़ द रिस्पांसिव लोगोज तो एक लोगों के मल्टीपल वर्यनस होने चाहिए बिकॉज अगर आप किसी बिजनेस के लिए लोगो डिजाइन कर रहे हैं तो उसकी प्रेजेंस एक वेबसाइट के ऊपर भी है मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी हो सकती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी हो सकती है सो इट रिक्वायर्स मल्टीपल वर्यनस ताकि सूटेबल वरियन को यूज़ किया जा सके वो जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले करने जा रहे हैं या एडवर्टाइज़ करने जा रहे हैं So, these are all the things that we are going to cover in this module. I'm very excited for it, and I believe that you are excited too. So, let's get into the module.